कई तुझे पता है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने एक एंटी एजिंग हाइड्रोजन थेरेपी विकसित की है, यानी इस थेरेपी को कराने से हम बूढ़े नहीं होंगे। अब बूढ़े होंगे या नहीं होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी मदद से बुढ़ापे को पैदा करने वाले कई फैक्टर्स को रिवर्स करने में काफी मदद मिल सकती है और काफी हद तक बुढ़ापे में होने वाली कई गंभीर बीमारियों को रोका भी जा सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक कुछ समय से जानते हैं कि हाइड्रोजन, जो कि ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सरल तत्व है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में कार्य करने की क्षमता होती है, जो उम्र बढ़ने से जुड़े कई विषाक्त कणों को नष्ट कर सकता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि हाइड्रोजन कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की गति को धीमा या रिवर्स कर सकता है। लेकिन इस ज्ञान को रियलिटी में बदलना हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक डिफिकल्ट टास्क रहा है। लेकिन हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस द्वारा प्रकाशित एक पेपर में चीनी शोधकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने इस समस्या पर जीत हासिल कर ली है और नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक स्कैफोल्ड इम्प्लांट वाला मेथड विकसित किया है, जो अदर मेथड की तुलना में 40,000 गुना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हाइड्रोजन प्रदान करता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इनकी हाइड्रोजन थेरेपी लगभग एक हफ्ते तक धीमी गति से और लगातार हाइड्रोजन जारी कर सकती है, जिससे हाइड्रोजन थेरेपी को और भी ज्यादा इफेक्टिव और कारगर बनाया जा सकता है। अब तो चाइना जाके सीधा यही थेरेपी करानी पड़ेगी लगता है। भाई तू थेरेपी करा या ना करा, बूढ़ा तो तूने होना ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। भाई तुझे पता है कि पुराने समय में आदि मानव भी देवी देवताओं को खुश करने के लिए कई अटपटे काम किया करते थे? क्यों भाई, ऐसा क्या करते थे वो? अरे भाई, एक नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि पश्चिमी यूरोप के कई आदि मानव देवी देवताओं को खुश करने के उद्देश्य से अपनी उंगलियों को ही काट दिया करते थे। लेकिन भाई इस बात के सबूत क्या है कि वो अपनी उंगलियों को काट दिया करते थे? सबूत ये है कि शोधकर्ताओं को गुफाओं में से करीब 200 ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं, यानी ऐसे हाथ के निशान मिले हैं जिनमें हाथों की उंगलियों का कम से कम एक हिस्सा गायब था।